ऐसा है कि इस मंत्रिमंडल के बारे में अपन कयास लगाएं तो जादूगर के जादूगर की कोई सीमा नहीं, वो अप्रत्याशित नाम मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान के मंत्रिमंडल में जोधपुर का वर्चस्व रहा है, चाहे वो खेत जी थे, चाहे परशुराम मदेना थे, चाहे राजेंद्र चौधरी थे, चाहे मोहन छंगाणी थे, बड़े खंखड़ नेता थे जो राजस्थान के मंत्रिमंडल में। वर्तमान में जितने भी जीत के एमएलए आए हैं, एक नई टीम है, प्योर नई टीम है, और इस प्योर नई टीम को एक विधानसभा का, मंत्रिमंडल का और एमएलए का अनुभव लेने की आवश्यकता थी। ये 3 सालों में उन्होंने आवश्यकता को पूरा किया। अब मंत्रिमंडल में शामिल करने के मामले में राजनीतिक समीकरण में जो फिट बैठता है उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। बिश्नोई समाज भी है, जाट समाज भी है, सिधुलका समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, रावणा राजपूत समाज भी है। उस पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ऐसा समीकरण राजस्थान में फिट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कहीं रावणा राजपूत को किसी और क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिल गया तो हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। ऐसी में जब तक भंवरलाल जी मास्टर जिंदा थे तब तक हम पश्चिमी राजस्थान में उम्मीद ही नहीं करते। बिश्नोई में महेंद्र जी बिश्नोई है, उनके भाई को उप जिला प्रमुख बना दिया, एक घराना है, पर सारा कांग्रेस में इस तरह से एक ही परिवार में नहीं दिया जा सकता, जैसे दिव्या मदेना जी की नगर जिला प्रमुख बन गई है। हम पूरे अशोक जी जब मंत्रिमंडल बनाएंगे अपन तो कयास लगाते हैं, पर वो सारा समीकरण राजस्थान की तरफ देख के करेंगे कि राजस्थान की जातियां, राजस्थान का सिस्टम, सांस्कृतिक सामाजिक क्या कलेवर है, किसमें किसकी जरूरत है, उस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मेरा जहां तक सोचना है, अब युवा पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो नए हैं और जिनको अब राजनीति में अनुभव होने लगा है, उनको मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान का आगे भी वर्चस्व बना रहे। और मीना कुमारी जी को अगर मंत्री बनाते हैं तो आज जो वैक्यूम है जो राजनीति का, वो वैक्यूम मीना कुमार जी भरती हैं, और भाजपा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी मीना कुमारी जी को अगर अवसर मिलता है तो। बाद में वैभव को लॉन्च किया वो लाए राजनीति में, पर कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा राजनीति में, राजनीति कर रहा है तो राजनीति में आगे नहीं बढ़े। सब चाहते हैं राजनीति में आगे बढ़े, अगर वो राजनीति वैभव नहीं करते तो शायद अशोक भी नहीं करते, पर जब वो राजनीति में आए हैं तो नेचुरल है कि बाप का आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। उस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करने की कोशिश करेंगे अशोक जी, भाई पश्चिमी राजस्थान में जो है कांग्रेस का वर्चस्व हो। ऐसा लगता है कि पश्चिमी राजस्थान अब बाड़मेर जैसलमेर, जैसे रूपाराम जी धंधे है, अगर उनका की लीडरशिप के लिए तो रूपाराम धंधे बहुत दावेदार आदमी, और वीर जी की बात भी कर लें अपन बिलाड़ा से तो वो भी एमएलए है और अच्छे एमएलए हैं, तो रूपाराम जी जैसलमेर पूरे जिले को होल्ड करते हैं। और इधर जो है आप जाट लीडरशिप में हरीश जी है, हरीश जी की जगह हेमाराम जी की बात चल रही है, अगर हेमाराम जी नहीं आते हैं तो फिर जाट लीडर किसी और जगह से इनको अच्छा सा ढूंढना पड़ेगा जो किसानों की लीडरशिप कर सके, किसानों की आवाज़ बन सके। संभावना ये बनती है कि शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप जो है पश्चिमी राजस्थान में, मुझे और भी नियुक्तियां जो ये होनी है, नियुक्तियां राजनीतिक जैसे एस टी कार्य के अध्यक्ष वगैरह, तो उनमें भी पश्चिमी राजस्थान की भागीदारी दिखती है जिसमें शोभ भी।